एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस वक्त के ताजा मौसम समाचार में। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से मौसम को लेकर अभी एक बड़ी खबर आ रही कि यूपी वीदर अलर्ट। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में अगले 24 घंटे फिर भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो चलिए जानते हैं कि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में फिर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, भारतीय मौसम विभाग IMD ने आज को उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 20 हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके चलते खरीफ की फसल को नुकसान हुआ है, वहीं कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। इस कारण लोगों को इस महीने में जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि IMD के पूर्व अनुमान के अनुसार अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में बारिश हो सकती है। रिपोर्ट के तहत मिर्जापुर, प्रयागराज, बलिया और आसपास के जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं आपको बता दें कि IMD की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में आपको बता दें कुछ समय से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। प्रतिकूल मौसम, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के कारण बारिश के हालात बने। आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे ऐसे ही मौसम अभी रहने के अनुमान है। आपको बता दें, अब फिर मौसम विभाग ने यह अलर्ट अगले 24 घंटे तक प्रदेशवासियों को और परेशान करने वाला बताया जा रहा है। IMD के अनुसार बंगाली खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के दौरान यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश होगी। वहीं पश्चिमी यूपी के कई जिलों में देर रात रुक रुक कर बारिश हुई। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से एक और खबर आ रही है कि मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर मानसून इस महीने खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार आपको बता दें इस महीने चल रहा है। मानसून की अवधि में आपको बता दें 15 दिन की बढ़त हुई है। मानसून आगे खिसकने से इस बार सर्दी अधिक पड़ेगी, साथ ही रबी की फसल को बुवाई में देरी होगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2-3 दिन बाद बारिश बंद हो जाएगी और ठंड का असर शुरू हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि बेमौसम बारिश की क्या है वजह। तो आपको बता दें, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाली खाड़ी से दक्षिण पश्चिम पूर्वी हवाओं के कारण पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसके चलते यूपी, उत्तराखंड और अन्य क्षेत्रों में बारिश हो रही है। आपको बता दें, दक्षिण पूर्व अरब सागर और उससे सटे इलाकों में हवा का दबाव कमजोर हुआ है। ये दबाव अब उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है, ये भी बारिश की एक वजह है। इसे अल नीनो प्रभाव भी कहते हैं। बंगाली खाड़ी से उठी हवाएं उत्तर भारत में दबाव बनाकर बरसात करा रही हैं। वीडियो के आखिर में आपको बताते चले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विभी के वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर आयन सुभाष कहते हैं कि हर साल मानसून आपको बता दें इस महीने तक चला जाता है। इस बार मानसून अगर नहीं गया है तो चिंता की बात है। ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट है कि आपको बता दें मानसून पूरे 20 दिन आगे बढ़ गया है। पिछले कुछ सालों में आपको बता दें मानसून में थोड़ा बदलाव हमने देखा है, लेकिन इसका 20 दिन से आगे बढ़ना अच्छा नहीं है। धीरे धीरे मौसम में ठंडक बढ़ेगी, इससे हवा की गुणवत्ता सुधरेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।